नमस्कार दोस्तों, थोड़ी द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सच्चा प्यार पाने का क्या उपाय है और क्या मंत्र होता है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन कुछ जानने वाली बातें जरूर है जिसे हम जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि हमेशा इमोशन में ही बह जाना ये सही दिशा नहीं होती है। और मैं कभी भी आप लोगों को गलत गाइड नहीं करूंगी, क्योंकि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हम भी देखे हैं, आपने भी देखा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर गाइड करने का कोई सवाल ही नहीं आता है कि मैं आप लोगों को गाइड बिल्कुल गलत तरीके से करूँ। जो चीज़ समझाती हूँ बहुत प्रैक्टिकल वे में समझाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि आप भी इस पर गौर करेंगे, थोड़ा सा सोच विचार करेंगे तो आपको अपने जीवन का हकीकत ज़रूर समझ में आ जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में हमें एक बार नहीं दो बार प्यार होता है, लेकिन किसी ना किसी से ज़रूर प्यार होता है ना। और कभी कभी हम बड़े खुशकिस्मत होते हैं कि हमें वो लाइफ पार्टनर मिल जाता है लाइफ पार्टनर के रूप में, और कभी कभी बदकिस्मती होती है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो इंसान हमें नहीं मिलता है, है ना। तो हम इस प्यार को पाने के चक्कर में बहुत सारे उपाय अपना लेते हैं, चलो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक बात जो समझनी है, जो मैं आप लोगों को मंत्र देने से पहले ज़रूर समझाऊंगी, जो आप लोगों को समझना ज़रूरी बन जाता है कि आखिर आपने एफर्ट डाला फिर भी ये काम अगर नहीं करता है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। दोस्तों, हम किसी से प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं कि 100% एफर्ट वहाँ से भी हो, हमारे तरफ से भी हो। जब दो रिलेशन जुड़ता है ना, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं वो डेवलप करते हैं। यानी अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं तो वहीं से शुरू होता है विवाद, झगड़ा, शक करना और साथ में चिल्लम चिल्ली। धीरे धीरे ये एक तनावग्रस्त रिश्ता बन जाता है और ये टूटने के कगार पर आ जाता है। लेकिन वही उल्टी दिशा में अगर सोचें तो अगर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो दोनों एक दूसरे की बुराइयों को भी एक्सेप्ट करने की ताकत रखते हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं प्यार। यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो आते हैं, अपनी जीवन की समस्याएं बताते हैं और हल भी मैं बताती हूँ, और मैं बहुत मंत्र देती हूँ और मेडिटेशन और कुछ टेक्निक्स बताती हूँ। यहाँ पर जो बात मैं करूँगी कि ये आपको समझने की बात है कि अगर हमारा वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ मैच ही ना करे, फ्रिक्वेंसी मैच ही ना करे, तो वो इंसान के साथ आप लाख कोशिश कर लो वो आपके साथ आगे जाएगा ही नहीं। यानी कि आप किसी इंसान को 100% एफर्ट डालकर प्यार कर रहे हो, लेकिन सामने वाला सिर्फ आकर्षित होकर आपको प्यार दर्शा रहा है या फिर प्यार कर रहा है, वो भी उसका एफर्ट होता है सिर्फ और सिर्फ 60% तक का, 40% होता ही नहीं। वो क्या होता है कि आपके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ समय तक अच्छी रहती है, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। इसके बाद आप ट्राई करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो रिलेशन में कोई उन्नति आती ही नहीं है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि हम एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं और आखिर हमें हमारा सच्चा प्यार मिल क्यों नहीं रहा है। तो इसका रीज़न भी यही है, शायद हम जिससे प्यार करते हैं वो इंसान हम पर उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता हो। एक होता है आकर्षण, एक होता है प्यार, लेकिन हम लोग अक्सर आकर्षण को ही प्यार समझ बैठते हैं और इसको गलती करके हम अपने जीवन को पूरी तरह से लुटा देते हैं और बर्बाद कर लेते हैं। तो इसीलिए आज जो मैं दो मंत्र आप लोगों को बताऊंगी, इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए, कोशिश जरूर कीजिए, लेकिन अगर फिर भी हताशा हाथ में आती है तो समझिएगा कि सामने वाला जिसके लिए आप ये मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं वो इंसान आपके लिए उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होगा या फिर उतनी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स उसके अंदर नहीं होगी। अगर वो इंसान थोड़ा सा भी आपसे प्यार करता होगा तो वो ज़रूर आपके पास आ जाएगा, लेकिन अगर इतनी कोशिशों के बाद भी, इतने एफर्ट डालने के बाद भी उस इंसान में कोई चेंजेस नहीं आती है या फिर वो इंसान आपकी अच्छाइयों को नहीं समझ पाता है, तो ये कहीं ना कहीं उस सामने वाले इंसान की परेशानी होती है या फिर उसका एफर्ट आप पर उतना ज़्यादा नहीं होता है। ये आप समझ जाएंगे आप मंत्रों की चैंटिंग से ही कि जब आपने इतने ज़्यादा एफर्ट डाले फिर भी आपका पार्टनर आपके पास नहीं आया,
यहाँ पर आकर्षण को हम लोग सच्चा प्यार का नाम दे देते हैं, एक्चुअली में वो होता ही नहीं है। जिस मंत्र की मैं बात कर रही हूँ वो मंत्र मैं आज आप लोगों को दूंगी और ये समझाने की कोशिश करूंगी कि ये मंत्र आपको सच्चा प्यार नहीं सच्चा जीवन साथी देने में मदद करता है। तो इसीलिए किसी भी मंत्र की चैंटिंग कीजिए, किसी भी उपाय को कीजिए, तो बस ये सोचकर कीजिए कि भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा जरूर सोचकर रखा है, वरना आप इस वीडियो तक भी नहीं आते और ना ही इस मंत्र के बारे में आप जान पाते, है ना। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं मंत्रों के साथ। दोस्तों हमारी ज्योतिषीय कुंडली में हम सबसे पहला स्थान देखते हैं कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो पंचम स्थान को हम बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी उस पर पावर देने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात आती है कि शादीशुदा जीवन का जो स्थान होता है यानी शादी का जो घर होता है वो सप्तम घर होता है, तो सप्तम घर को भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं जो दो मंत्र बताने वाली हूँ, एक मंत्र ऑलरेडी मैंने क्लीम मंत्र बता दिया है, दूसरा मंत्र जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विष्णु और लक्ष्मी माँ की पूजा किया कीजिए, यानी ये मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। अगर कोई इंसान चाहते हैं कि वो अपने प्यार को वापस पा ले या फिर सच्चा जीवन साथी मिले, सच्चा प्यार उन्हें मिल जाए, तो उसके लिए ये दो मंत्र काफी होता है, वो है क्लीम मंत्र और दूसरा है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। बस ये दो मंत्र बहुत ही पावरफुल होता है और ज्यादा से ज्यादा विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए, दुर्गा माँ की पूजा कीजिए, देखेंगे आपको सच्चा प्यार मिलना ही मिलना रहता है। तो ये सारे एफर्ट्स आप तभी डालते हैं जब आप किसी से प्यार पाना चाहते हैं। तो ये जो मंत्रों का चैंटिंग है ना, ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है आपके शरीर पर, आपके बॉडी पर, आपके चक्रों पर। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके पास जिसके लिए आप ये चैंटिंग कर रहे हैं उनका एफर्ट बिल्कुल जीरो रहता है या फिर कुछ ही परसेंट रहता है, तो समझ जाइएगा कि आपके लिए आपका सच्चा पार्टनर है, आपका जीवन साथी भी है जो आपके लिए सच्चा होगा, तो वो एक सही समय पर आपके पास आ जाएगा। आज आपने जो कोशिश की है, जो एफर्ट डाली है, वो इसका रंग आपको बाद में दिखेगा, हो सकता है इंस्टेंट ना दिखे। यहाँ पर डिपेंड करता है कि दोनों पार्टनर का थिंकिंग कैसा है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि दोनों की वाइब्स कैसी है, यानी आप बिल्कुल 100% है तो सामने वाला सिर्फ और सिर्फ 60% है, तो आपको सब मालूम है, सब पता है, फिर भी आप एफर्ट पर एफर्ट डाले जाते हैं। देखिए मंत्रों से ना एक इंसान को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो कंट्रोल तब तक ही होगा जब तक उस पर वो इफेक्ट कर रहा है, यानी कि वो परसेंटेज, यानी उसकी अगर 60% एफर्ट है आपके लिए, फीलिंग्स है आपके लिए, तो वो 60% तक ही काम करेगी, वो पूरी 100% नहीं होगी, है ना। लेकिन एक जीवन साथी, जो सच्चा जीवन साथी होता है, जो आपके जीवन में आएगा, वो पूरे 100% अपनी वाइब्स को लेकर आएगा, वो आपके पास आएगा अपने प्यार के साथ, तब आप जाकर सोचेंगे कि शायद मैंने ये कोशिश की थी, शायद ये मंत्रों का चैंटिंग किया था, तभी जाकर मेरे जीवन में एक सच्चा लाइफ पार्टनर आया है। और ऐसा होता भी है और होकर ऐसा देखा भी गया है कि जीवन में बदलाव अचानक से ही आ जाते हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए अपने सच्चे प्यार को पाने की, और ये दो मंत्र जो है ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसको करके देखिए, आपका पार्टनर आपके पास कहीं ना कहीं से भी आ ही जाएगा, है ना। तो जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं उस पर कोशिश जरूर कीजिए, अगर उस इंसान का प्यार आपके लिए सच्चा है तो वो आपको मिलकर ही रहेगा, वो आपसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसका प्यार क्षणिक मात्र है तो आपको मंत्र चांटिंग और कुछ दिन के परिवर्तन से ही समझ में जरूर आ जाएगा, लेकिन हौसला और धैर्य मत हारिएगा, क्योंकि आपके लिए भी आपका सच्चा पार्टनर जरूर है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।